नमः शिवाय हर हर महादेव। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सनातन सार यूट्यूब चैनल। चतुर्थी का पूजन करने वाली होती हैं, उनके भीतर का एक भाव होता है कि जैसे ही शाम का समय आए चंद्रदेव का पूजन करें। चंद्र जब प्रकट हो जाए, कलश भर लिया, उसके नीचे आखा दाना रख दिया, चावल गेहूँ जो भी आप रखते हो पूजन के लिए, ऊपर पात्र आदि रख दिया जलाशय, फिर अपन ने घी का दिया लगाकर पूजन भी कर ली। तो जो चतुर्थी का पूजन करने वाली होती है, जो चतुर्थी का नियम व्रत धारण करने वाली होती है, बड़ी बड़ी चतुर्थियां करती हैं या उसका नियम धारण करती हैं, तो चतुर्थी का जो पूजन करती है वो किस चीज के लिए होता है? केवल संतान, पुत्र, परिवार, हमारा कुटुंब, हम जिस कुल में है, हमारा कुल वैभव की ओर बढ़े, संपदा की ओर बढ़े और उसकी आयु बढ़े, उसकी आयु बढ़े, वैभव बढ़े। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, चतुर्थी की पूजन में जो आप आखा दाना रखते हो, गेहूं बगरा कुछ भी जो भी रखते हो, उसकी बड़ी महत्वता होती है महाराज। यहां तक कहा गया है, चतुर्थी की कथा तो आप लोग पढ़ते हो गए, जो लोग पढ़ते हैं उनको मालूम होगा, चतुर्थी की कथा में लिखा है, चौथ माता के व्रत में वर्णन किया गया है कि वो आखा दाना जो रखा जाता है, मान लो कोई जरूरी काम होता है तभी आखा दाना को रखा जाता है, संभाल के रखते हैं कि हम इस काम के लिए जा रहे हैं और हमारा ये कार्य सफल होना चाहिए। तो जिसने चतुर्थी का व्रत करा है, जिसने चंद्रदेव का पूजन करा, चतुर्थी का व्रत करा, वो गणेश जी से विनती करके वहां से दो चार आखा दाना उठा ले और जो व्यक्ति का काम अटक रहा है अपने ही घर का, पर दूसरे कुल को नहीं देना, अपने ही कुल के अंतर्गत जो काम अटक रहा है उसकी जेब में, उसके पल्लू में उस चीज को रख दिया जाए, तो चतुर्थी जो अगली आती है, जैसे आप महीने की करते हो तो महीने की, और आप जैसे करते हो कि चार अलग बड़ी बड़ी चतुर्थी करते हो, तो उसके अनुसार आपका कार्य सिद्ध होता ही है। उस आखे दाने का इतना महत्व होता है क्योंकि चतुर्थी का व्रत करने वाली माता जब व्रत करती है तो स्वयं चतुर्थी की कथा में लिखा हुआ है कि पार्वती जी गणेश जी से चतुर्थी की कथा बचवाती। चतुर्थी की कथा बाची किसने थी? स्वयं गणेश जी महाराज, और सुनी किसने थी? माता पार्वती। बाचने वाले गणेश जी थे, सुनने वाली माता पार्वती थी। तो चतुर्थी की कथा जब होती है तो उसको स्वयं गणेश जी बाच रहे, तो व्रत कौन सुन रही है? माता पार्वती। और आपने जो आखा दाना लिया वो गणेश जी के भाव से लिया, गणेश जी से निवेदन करके, विनय करके, प्रार्थना कर उसको प्राप्त किया,